हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आप दोनों की करंट एनर्जीज लेट नाइट को एक दूसरे को लेकर क्या है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले निकाल रहे हैं मेरी व्यूअर के साइड क्या एनर्जीज हैं, देन हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की साइड क्या एनर्जीज हैं, आपके पर्सन की आपके साइड क्या एनर्जीज हैं, एंड देन इमीडिएट इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। ऑल राइट, विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो सैज की एनर्जीज आपकी साइड स्ट्रॉन्ग है। आप लगातार इनके बारे में सोच रहे हैं, इनके स्टेटस, इनकी चैट, इनके प्रोफाइल्स को चेक कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्हें इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट अंदर से आपको इन्हीं की याद सता रही है। ऐसा भी लग रहा है आप लोग चाहते हैं कि ये आपको कॉल या मैसेज करें एंड आपके साथ बात करें, लेकिन थोड़ा सा आप इनसे चिढ़े हुए भी हैं। वैसे तो आप इनके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में किसी भी बिहेव से, किसी भी आदत से आप इनके थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इनकी आपके साइड क्वीन ऑफ कप्स है, सेवन ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपको लेकर क्वाइट कंफ्यूज हैं। इवन हो सकता है इनकी लाइफ में मल्टीपल लोग हों, ये इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में मल्टीपल गर्ल्स या मल्टीपल बॉयज़ अफेयर हो सकते हैं। यस, कि इन्हें आदत है वन नाइट स्टैंड करने की, हुकअप करने की, जगह जगह लोगों से मिलने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, रोमांटिकली, फिजिकली, हर वे से। लेकिन आपके साथ ये बहुत ज़्यादा गहरा इमोशनल बॉन्ड फील करने लगे हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक परमानेंसी फील करने लगे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इनके सारे इमोशंस जितने भी हैं आप ही के लिए हैं, लेकिन विद इट या तो इन्हें लगता है कि कुछ लोग हो सकता है न्यूली कनेक्ट हुए हों एंड आपके पर्सन को लगता हो कि आने दो भी और रिश्तों को, देखते हैं वन बाय वन सबको, या फिर ये मल्टीपल लोगों के साथ इतना ज़्यादा डील करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आप पर फोकस नहीं कर पाते। और कुछ लोगों के लिए ऐसे सिनारियोज भी आ रहे हैं कि इनकी फैमिली एंड इनके घर वाले इनको रिश्ते दिखा रहे हैं जिसमें क्वाइट उलझे पुलझे हैं, कन्फ्यूज हैं। इमीडिएट नेक्स्ट मूव इस कनेक्शन का आई डोंट थिंक एकदम से कुछ होने वाला है, सिवाय इसके कि हो सकता है आप दोनों कॉल या मैसेज पे इमीडिएटली नेक्स्ट 2 to 3 hours के अंदर बात करें, जिसमें ये पर्सन आपको बताएं कि ये कहाँ स्टक हैं, क्यों स्टक हैं, कहाँ ये उलझे हुए हैं, कहाँ ये फंसे हुए हैं। इनका कोई लीगल मैटर है शायद जो ओवर होना है, आफ्टर डैट ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, उसके चांसेस भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में, घर गृहस्थी में आप में टोटली उलझ कर और परेशान होकर रह गए हैं। आपका या इनका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन या अफेयर हो सकता है, उसके चांसेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना तड़प कर आपको कॉल करें एंड आपको अपनी परेशानियां बताएं। इस टाइम इनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी साइड। एक्चुअली फ्रेंड्स, रीडिंग रेजोनेट कर रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। ऑल राइट, फॉर मोर क्लैरिटी ऑब्वियसली यू गाइज कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स विद मी, एंड इंस्टेंट रीडिंग भी आप बुक करा सकते हो, जो बुकिंग के पेमेंट के स्क्रीनशॉट के जस्ट विद इन एन आवर मिल जाएगी। 451 rupees में 3 questions आप लोग पूछ सकते हो, वॉइस नोट के ज़रिए, कार्ड्स की पिक के साथ और गाइडेंस के साथ वो रीडिंग विद इन एन आवर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम चेक कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर इमीडिएट रीडिंग बुक करा सकते हो। 8 of Wands की एनर्जीज हैं माय डियर व्यूअर्स, आपके लिए गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आपको ना लाइफ में पॉजिटिव रहने की नीड है, ठीक है। आप आसपास के लोगों से मिलो जुलो, उनसे बातें करो, और फ्रेंड्स को भी इग्नोर मत करो, ठीक है। खुल के जियो और मन पर भार, मन पर बर्डन और बोझ कम से कम रखो। इतने बोझ के साथ आप आगे नहीं चल पाओगे, ठीक है। हैप्पी रहने की कोशिश करो, खुल के रहने की कोशिश करो, जिंदा दिल रहने की कोशिश करो, और डेफिनेटली बिलीव करो कि जो लव आप डिज़र्व करते हो आपको वन डे ज़रूर मिलेगा। ऑल राइट, ये थी आपकी रीडिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।
टेक केयर।